इस भीषण गर्मी में बिना पानी के आम जनमानस का हाल बुरा है। वहीं दूसरी ओर पूरे शहर में लगाए गए पेड़ पौधों को भी पानी की सख्त जरूरत है, जिसे शहर का सौंदर्य बना रहे। इसे देखते हुए नगर पालिका निगम भिलाई अपने द्वारा लगाए पेड़ पौधों को लगातार पानी से सींचने का काम टैंकरों के माध्यम से कर भी रहा है, ताकि ये पेड़ भीषण गर्मी में अपना दम ना तोड़ दें और हरे भरे रहकर शहर की सुंदरता में चार चांद लगाते रहें। नगर निगम भिलाई द्वारा पेड़ों को संरक्षण के लिए अपने भरसक पूरा प्रयास कर रहा है। सबसे पहला काम तो पेड़ों को पानी देना है, तो हमारे यहाँ की अलग से एक गाड़ी है जो हमारे उद्यान विभाग की, जो क्या करती है पूरे पेड़ों को सुबह सुबह जा करके सभी पेड़ों पर जिसके जड़ों में पानी दे, टैंकर से पानी दिया जाता है, उससे पेड़ हरा भरा रह सकें। लेकिन मैं एक चीज़ देखा, तो मुझे एक पर्यावरणविद भी हूँ मैं, पर्यावरण के प्रति प्रेम रखता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, फूल लगा है, फूल को तोड़ते तोड़ते पेड़ भी तोड़ देते हैं। मैं देखा एक सज्जन क्या दे, फूल के पेड़, फूल का पेड़ है, उसको डालिए तोड़ के ले जा रहे हैं। मतलब कहाँ ले जा रहे हैं, बोले घर में ले जा रहे हैं फूल तोड़ने के लिए। तो मैं कह रहा था आप नहीं पेड़ से प्यार करोगे, हमारे प्रयास से सब हरा भरा करेंगे, हम हरा भरा तो करेंगे, लेकिन प्रयास आप सबकी भी ज़रूरत है। और नगर निगम अगर प्रयास कर रहा आप भी सहयोग करें। पेड़ हमेशा आकर्षित करते हैं, मन को भाते हैं, बड़ा प्यारा चीज़ है। कहते ना तरुअर फल नहीं खात है, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कार में साधुन धरा शरीर। तो पेड़ तो हमेशा दूसरे के लिए ही भलाई करता, नदी भी दूसरी भला करती, हम ही मानो उसको गंदा करते हैं। नगर निगम प्रयास कर रहा है, अब भी सहयोग करें, पेड़ों को हरा भरा रखें। बहुत